अब हम आपको दिखाना चाहते हैं ये ओपन स्टिक के पास से आप डी में गोल कैसे कर सकते हैं जब आप लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं या सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं और गोलकीपर आगे आया हुआ है। ये देखिए मर्जी के हो एक पार्टनर दूसरे से खेलता है इसको उसको फील होती है कि बॉल को हवा में कैसे कंट्रोल करना है जी। ये सब एक्सरसाइजेस हैं। कोचिंग वीडियो सीरियल नंबर 8 में हमने आपको दिखाया था कि जब खिलाड़ी अपने बाएं पैर के पास बॉल को रिसीव नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, क्लियर नहीं कर सकता, उसका नतीजा क्या होता है। हमने देखा था कि इवन दुनिया की टॉप टीमें जैसे कि जर्मनी थी, वो अपने बाएं दाएं पैर पे बॉल को नहीं रिसीव कर सके, उसका नतीजा हुआ या तो शॉट कॉर्नर मिला दूजों को या उसका गोल हुआ। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं वीडियो सीरियल नंबर 9 में आपको कि छोटे प्लेयर को कैसे सिखाना है ये बॉल को दाएं पैर के पास रिसीव करना, कंट्रोल करना, पास करना, कौन से तरीके हैं और कौन सी एक्सरसाइजेस हैं ताकि हम अपने छोटे बच्चों को शुरू से ही ये सिखाएं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं न्यूट्रल स्टांस में बॉल को बाहें पैर के नज़दीक कैसे रिसीव करना है। ये है न्यूट्रल स्टांस, ये देखिएगा कैसे स्टिक को लेना है और स्टिक के कौन से पोर्शन को यूज़ करना है पासिंग रिसीविंग के लिए। सुखबीर मेरी मदद कर रहा है पासिंग और रिसीविंग के लिए। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉल को बाएं से दाएं एक टच के साथ कैसे लेके आना है और अब बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। अब आप देखिएगा कि बॉल को कैसे स्कूप करना है, एल पास करना है, ये काउंटर अटैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। ये हम एक बार और देखिएगा जी कि कैसे हम बॉल को रिसीव करते हैं और वैसे ही एरियल पास करते हैं क्विक काउंटर अटैक लॉन्च करने के लिए, ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे एक ओपोनेंट को विड्रॉ करना है एक साइड पे और फिर एरियल पास स्कूप करना है। ये देखिए, ये देखिएगा ये राइट हैंड है, उसे लेफ्ट हैंड मार्क करा, उसके अंदर लिया और राइट साइड राइट विंग को पास कर दिया। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं ये ओपन स्टिक के पास से आप डी में गोल कैसे कर सकते हैं जब आप लेफ्ट हैंड खेल रहे हैं या सेंटर फॉरवर्ड खेल रहे हैं और गोलकीपर आगे आया हुआ है। ये देखिएगा जी, यहाँ पर डेमोंस्ट्रेट किया है सुखबीर गोलकीपर एक्ट कर रहा है, वो आगे आया है, आपने एकदम फर्स्ट टाइम एरियल स्कूप किया है और जो आपको रिबाउंड मिला है गोलकीपर से आपने यही रिसीव किया और यहीं से ही गोल कर दिया। देखना इसमें गोलकीपर के लिए बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना कि वो इन मोशन है आउट ऑफ पोजीशन है। ये हैं सब एक्सरसाइजेस कि इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं छोटे बच्चे। बॉल को ड्रैग करो और 3 दफा टैप करके उसे प्रेस करो। अब यहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुखबीर और उसका पार्टनर दालीवाल
एक दूसरे से प्रैक्टिस कर रही हैं, हम उनको कह रहे हैं कि अपना फुटवर्क करो, मूव करो, अपने टोज पे हो, मूव करके करो, स्ट्रेच करना करो, ये बातें देखने वाली हैं। तो ये आपने अपने बच्चे को जब सिखा रहे हैं, छोटे बच्चों को ध्यान में रखना है जी। अब हम आपको दिखाएंगे कि एरियल स्किल कैसे डेवलप करने हैं इन पेयर्स में, या इसको वॉलीबॉल कह लो, पिंग पॉक कह लो, टेनिस कह लो, जो मर्जी कह लो, एक पार्टनर दूसरे से खेलता है इसको, उसको फील होती है कि बॉल को हवा में कैसे कंट्रोल करना है जी। ये सब एक्सरसाइजेज हैं बच्चों के स्किल्स डेवलप करने के लिए। ये देखिएगा जी, आप देखेंगे इन्होंने, अब देखना ये कितना अच्छा करेंगे, देखना जी। ये प्रैक्टिस का मामला है, सही तरीका हो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल है इनका।